Hello guys, welcome back to another video. How are you today? Today my topic is about the game which we can run on very minimum requirements of system. So let's talk about this game. अभी ये जो गेम होने वाली है, लाइक इसको बच्चे बचपन में खेल रहे होते हैं. ये गेम एक ऐसी गेम है जिसको आप कोटडो और इससे भी पहले आने वाले इंटेल पेंटियम उन सिस्टम्स पर रन कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इसके. बट इसके लाइक जो थीम है, इसके अंदर जो विजुअल्स यूज़ किए गए हैं, जो लाइक टीम वर्क होता है, टीम वर्क से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी गेम है. दिस इज़ द फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स बहुत ही पहले लाइक लॉन्च काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है और इसको हम बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स वाले सिस्टम पर प्ले कर सकते हैं और फ्री टाइम के अंदर लाइक इसको खेलना बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है. अब किस तरह से है लाइक इसको मैं चेकआउट करता हूँ, बताता हूँ. यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक टीम वर्क होती है इनके अंदर, टीम वर्क होता है सॉरी. इसमें एक गाइड करने वाला होता है एज अ लीडर और बाकी को ऑर्डर्स देता है, वो सारे उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और फिर कुछ इस तरह से ये अपने जो इलाका अपना इलाका उसे सर्वाइव करते हैं. सो इसकी प्राइस जो है वो वैसे तो 8.9 USD है, बट यू कैन बाय फ्रॉम सॉरी डाउनलोड फ्रॉम अदर वेबसाइट बाय फ्रीडम फाइटर्स. अगर आप इसे बाय करते हैं तो ऑफिशियली बाय करते हैं विंडोज़ के लिए तो आपको 8.9 USD के अंदर मिलती है. अदरवाइज आप इसे अदर वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट परचेसिंग दिस गेम. कॉन्टेंट फॉर दिस गेम, फ्रीडम फाइटर्स साउंड ट्रैक, ये सारी चीज़ें अबाउट दिस गेम. दे टुक योर फ्रीडम, इट्स अ टाइम टू टेक इट बैक. वो आज़ादी छीन लेते हैं लाइक, फिर उसके बाद उन पर वापस से जाना पड़ता है, हमला करना पड़ता है और अपनी आज़ादी वापस लेनी होती है. कुछ इस तरह से लिवर्ड लेबरेट स्प्लाइज स्क्वेंज वेपन्स और यूज द रिक्रूट एंड द कमांड सिस्टम टू ग्रो द रेसिडेंस एंड लीड अप टू 12 फ्रीडम फाइटर्स इन टू स्ट्रेटेजिक कन्फ्लिक्ट थ्रू आउट. मैंने बोला था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 12 फ्रीडम फाइटर्स हैं. ठीक है, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर जाएं, आप उनको मारे, ये ऑर्डर्स दे सकते हैं. लाइक कुछ इस तरह से इसके अंदर एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है. ओरिजिनली रिलीज इन 2003, जब लाइक बहुत टाइम पहले ये गेम्स लॉन्च हो रही थी, गेमिंग फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही थी, तब ही ये गेम यहाँ पर मार्केट में लॉन्च हुई और तब के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इन्होंने ये गेम प्रोवाइड की. 2003 के अंदर ये लॉन्च हुई. आई थिंक सो IGI गेम भी उन्हीं दिनों में लॉन्च हो रही थी और GTA Vice City, ये 3-4 गेमें हैं जो तब डाउनलोड हो रही थी और बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रही थी और इनको बहुत ज़्यादा खेला जा रहा था. GTA Vice City फर्स्ट गेम, यू नो लियारी एक्सप्रेस और अदर गेम्स वो बाद में आती हैं. GTA Vice City ऑफिशियली और इसके अलावा IGI और इसके बाद ये जो गेम थी फ्रीडम फाइटर 2003 के अंदर लॉन्च हुई. सो इसके बाद इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा मिनिमम है. आप कहें तो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले सिस्टम बाय करके लाते हैं, उन पे आप रन करना चाहें तो सो यू कैन डू इट. विंडोज 10 है, पेंटियम 4 बहुत ज़्यादा अर्ली जो है सिस्टम है. Pentium 4 1.5 GHz और Athlon XP equivalent. ओके, ये तो उससे भी लाइक सेकंड. मेमोरी 4GB रैम चाहिए आपको. ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट DDR2 के अंदर है. ये DDR2, DDR3, यू नो DDR, उसके बाद 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई. ये तो अब अर्ली जो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हाई एंड आ रहे हैं उनके लिए हैं. मेमोरी 4GB रिक्वायर्ड है. ठीक है, 100% DirectX 10 compatible video card. ओके, वीडियो कार्ड अगर उसके अंदर बिल्ट इन है या वीडियो रैम VRAM जिसे हम कहते हैं वो अगर बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर, यू कैन रन. अदरवाइज आप 512 MB का एक VGA लगा सकते हैं, सबसे कम वाला 256 भी लगा सकते हैं, 256 GB. ठीक है, वर्जन DirectX 10 चाहिए, 800 MB जो है 800 MB चाहिए, अवेलेबल स्पेस चाहिए, ये मिनिमम. अदरवाइज यू कैन गेट अप टू 1 GB अवेलेबल स्पेस. पेंटियम 4 2.4 GHz, वो पहला 1.5 GHz था. पेंटियम के बारे में बात हो रही, कोटडू तो उसके बाद आ रहे हैं, यू नो 8 GB रैम चाहिए, डायरेक्ट एक्सटेंड चाहिए, वर्जन 10 अगेन सेम वही चीज़ें हैं. सो ये बहुत ही ज़बरदस्त
फ्रीडम फाइटर फाइटिंग गेम है, एक्शन कह सकते हैं एक्शन फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स इज एन इंटेंस थर्ड पर्सन एक्शन गेम सेट इन अल्टरनेट हिस्ट्री न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ फॉरेन सुपर पावर। ठीक, ऑन द रोल ऑफ क्राइस्टोन हार्ड वर्किंग प्लम्बर एंड राइज थ्रू द रैंक ऑफ द रेजिडेंस ऑफ प्रूव योरसेल्फ एज अ क्रिसमस लीडर। ओके, क्रिसमेटिक लीडर। So guys, this was a game we can run on very cheapest PC. I'll see you next one video. Tab tak ke liye take care, Allah Hafiz.